ओके गाइज, दिस इज अखिलेश पांडे विथ अनदर वीडियो इन द सीरीज आर्टिकल. इट इज द सेकंड वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हुएर वी कैन यूज द. इन लास्ट वीडियो, माई प्रीवियस वीडियो, आई हैव टोल्ड यू हुएर वी शुड नॉट यूज द एंड हियर आई विल टेल यू हुएर वी शुड यूज द. हमें द का यूज कहाँ करना चाहिए. हमारे पिछले वीडियो में था कि द का यूज हमें कहाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अब मैं कुछ सिचुएशन देने जा रहा हूँ जहाँ पे द का यूज बिल्कुल करना चाहिए. कंडीशन नंबर एक है विदाउट वेस्टिंग टाइम. व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग वी हैव ऑलरेडी मेंशनड. अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम पहले भी उसका नाम ले चुके हों, मतलब कहानी में या कहीं पे भी हमारे सेंटेंस में एक बार हमारे वाक्य में उसका नाम आ चुका है, तो अगर हमें दोबारा यूज करना है तो वहाँ पे हमें उसके नाउन या प्रोनाउन के बाद में द का यूज हम कर सकते हैं. पहले जैसे आई सा एन ओल्ड मैन विथ अ डॉग, ये पहले मैंने मेंशन कर दिया, फिर कामा लगाया एंड द डॉग वॉज बार्किंग, यानी कि अब डॉग के पहले द लग गया क्योंकि दोबारा मेंशन कर रहे थे. मींस कि अगर हम कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसको पहले ही मेंशन कर चुके हैं तो वहाँ पे द लगेगा. सेकंड कंडीशन, यहाँ पे द मस्ट लगेगा. सेकंड कंडीशन है व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग. अगर कोई चीज़ अपने आप में अकेला है और वो पार्टिकुलर है तो वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे. जैसे द मून गोज राउंड द सन, मतलब द मून द सन और जो भी आपका नेचुरल बॉडीज होती हैं वहाँ द लगता है, क्योंकि वो अपने आप में अकेला ही है, उसकी प्रॉपर्टीज एकदम सेम होती उनकी प्रॉपर्टीज़ एकदम डिस्टिंग्विश्ड होती है, एकदम अलग होती है. मीन्स हम अपने तरफ से आपको बताएं तो इफ़ वी टॉक अबाउट एनी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, इफ़ वी टॉक अबाउट एनी पार्टिकुलर नाउन अ प्रोनाउन, वी हैव टू यूज द बिफोर दोज नाउन एंड प्रोनाउन. अगर हम किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उनके नाम के पहले द हम लगा सकते हैं. अगर हमें ये मालूम पड़ रहा है, हमें हमारा सेंस ये कह रहा है कि वो अपने अपने आप में उस तरह का और दूजा कोई नहीं है, वो अकेला सिंगल पीस है अपने आप में किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वी कैन यूज़ द देयर आल्सो. व्हेन इट्स क्लियर व्हाट यू आर रिफरिंग टू, अगर ये भी क्लियर हो कि आप क्या रिफ़र कर रहे हो. नॉर्मली तो हम नहीं यूज करेंगे द, लेकिन मान लीजिए कि वो कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन हो या कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, वहाँ पे द नहीं यूज होता है. लेकिन अगर हम उसी को रिफ़र कर रहे हैं कि आई एम टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, या आई हैव टॉक आई एम मेंशनिंग द स्टूडेंट्स हु स्टडी इन दैट स्कूल, तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स लग गया, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में द नहीं लगता है. मीन्स कि अगर हम रिफ़र कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर ग्रुप के लिए, किसी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस आर थिंग के लिए, तो हम वहाँ पे द लगाएंगे. विथ प्लेसेज इन अ टाउन ईजी सिनेमा एंड थिएटर, जैसे कुछ जगह टाउन में जो शहर में होते हैं जैसे सिनेमा और थिएटर, इनके पहले आप द बिल्कुल लगाएंगे. जैसे आई एम गोइंग टू द सिनेमा, और फिर उसके बाद में है कि विथ सुपरलेटिव्स और सुपरलेटिव डिग्री के सामने भी के पहले भी हम द लगाते हैं. द बेस्ट, इट्स द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन, तो हमें लग रहा है कि यही इतना पांच रूल से आप द क्लियर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है. मीन्स द का यूज करेंगे अगर वो अपने आप में यूनिक है, अगर वो उस अपने आप में उसके तरह कोई दूसरा नहीं है, द लगा सकते हैं, या हम द वहाँ भी लगा सकते हैं अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हमने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, अब दोबारा यूज करना है तो भी हम द लगा सकते हैं. जैसे आई सा एन ओल्ड मैन विथ अ डॉग, ये एक मेंशन हो गया. अब द डॉग एंड द डॉग वाज बार्किंग, यहाँ पे डॉग के पहले द लग गया जबकि पहली बार नहीं लगा था. और फिर हम लोग कुछ जो है रिफर कर रहे हो, जैसे ही ओपेंड द डोर, वही डोर ओपन किए हैं, यानी कि और डोर मतलब कि कॉमन नाउन, आप कहीं भी ओपन करें लेकिन नहीं, तो आप यहाँ पे द लगा सकते हैं. दूसरा है सिनेमा थिएटर, इस तरह के कुछ यूनिक चीज़ अगर है कहीं किसी टाउन में तो वहाँ पे भी द लगता है, और फिर सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द लगता है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी अबाउट आर्टिकल ए एंड एन, वेयर वी कैन यूज ए एंड एन. ओके, थैंक यू सो मच.